हेलो फ्रेंड्स, देखो हम एनडीए 2009 की जो फर्स्ट एग्ज़ाम लगी थी उसकी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं मैथमेटिक्स की। तो क्वेश्चन नंबर 70 तक हमने देख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 71 कुछ इस प्रकार दे रखा था, व्हाट आर द डिग्री एंड ऑर्डर रेस्पेक्टिवली ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोलास। आपको क्या करना है, डिग्री और ऑर्डर ज्ञात करना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, किससे बनने वाली, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब देखो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अभी देखेंगे क्या होता है। वो जो एक्सेस ऑफ सिमेट्री आर द कोऑर्डिनेट एक्सिस, निर्देशी अक्षों के सापेक्ष क्या है, सममित है। तो देखना जो हम देखते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वो कुछ इस प्रकार होता है, निर्देशी अक्षों के सापेक्ष। अगर बात करें किसके, निर्देशी अक्षों के सापेक्ष, तो देखना ये कुछ इस प्रकार होता है रेक्टेंगुलर। किसकी बात कर रहे हैं, सिंपल अतिप्रबल्य क्या होगा, एसी इस प्रकार होगा, लेकिन रेक्टेंगुलर क्या होता है, निर्देशी अक्षों के सापेक्ष इस प्रकार होता है, समझ गए। अब देखो इसकी इक्वेशन होती है एक्स वाई बराबर ए स्क्वायर, कार्टेशन प्रोडक्ट ये होती है कार्टेशन में। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में इसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स वाई बराबर ए स्क्वायर, और पोलर फॉर्म में क्या होती है, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर सेक टू थीटा होती है। तो ये होता है क्या, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है और उसकी डिग्री ज्ञात करनी है। देखना एक्स वाई बराबर क्या हो गई, इसकी इक्वेशन क्या हो गई रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की, एक्स वाई बराबर ए स्क्वायर, और ये किस में है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। तो यहाँ पर देखना मैं इसका एक्स के सापेक्ष करूँगा, तो यहाँ पर देखना क्या होगा, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर ये क्या हो जाएगा, जीरो। देन डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का वाई अपॉन एक्स। अब ये किस में चेंज हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो गया। अब आपको क्या ज्ञात करना है, अब मेन चीज़ यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर कॉन्स्टेंट अगर एक है तो आपको अवकलन हमेशा एक बार ही करना है, मतलब आपको कॉन्स्टेंट को क्या करना है, विलोपित करना है, क्या करना है, विलोपित करना है, उसको हटा देना है। तो यहाँ पर एक बार करते ही यहाँ पर कॉन्स्टेंट हट गया, अगर दो कॉन्स्टेंट होते तो हम क्या करते, दो बार अवकलन करते। तो ये कर लिया हमने एक बार। अब यहाँ पर देखना ऑर्डर, डिग्री तो क्या होता है, ऑर्डर ऑर्डर तो क्या होता है भाई, कितनी बार हमने अवकलन किया है। तो यहाँ पर अवकलन ऑर्डर ऑफ इक्वेशन वन कितना हो जाएगा, वन, और डिग्री मैक्सिमम, जो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन हो रखा है इस इक्वेशन में उसकी पावर देखनी है। तो यहाँ पर केवल एक ही है, अवकलन हुआ कितना है, एक ही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इसकी पावर कितनी है, एक है। देन इम्प्लाइज में क्या बोल सकता हूँ, डिग्री ऑफ द इक्वेशन वन बराबर कितनी हो जाएगी, वन। तो ऑर्डर भी कितनी हो गई, वन हो गई, और डिग्री भी इसकी कितनी हो गई, वन। तो यहाँ से इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आज का क्वेश्चन था, थैंक यू।